हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एमिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज गांधी जयंती है और गांधी जी के जन्म के 149 साल वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी उपलक्ष में आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन है, उसके बारे में भी आर्टिकल आया, तो उसे भी हम यहाँ पे डिस्कशन वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो छोटी सी एक न्यूज है, आर्टिकल है, वो हम देखते हैं। वो आया है गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में आया है, तो उसे हम थोड़ा देख लेते हैं क्या अभी कंटेक्स्ट है और न्यूज में भी क्यों चल रहा है। देखो, गोल्डन ग्लोब रेस है ये बेसिकली 1968 के दशक में या 1960-70 के दशक में बेसिकली स्टार्ट इसको किया गया था। इस रेस का मेन मोटो ये था कि जो भी एक नॉर्मल मतलब यार्ड बोल सकते हो आप, नाव बोल सकते हो, उसकी हेल्प से पूरे ग्लोब मतलब पूरे विश्व के एक चक्कर है वो लगाना होता था। तो बेसिकली इसमें इंडिया की साइड से पहली बार किसी पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम था अभिलाष टोमी, जो कि इंडियन नेवी के फ्लाइंग ऑफिसर थे। तो अभी न्यूज ये आई थी कि ये काफी इनको इंजरी वगैरह हो गई थी, क्योंकि जो इनको बीच में साइक्लोन तूफान का सामना करना पड़ा था, तो उसकी वजह से अभी इनको फिर वापस से बचाया गया था। काफी कंट्रीज थे उनके मिशन चलाए गए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल हुई थी इसी के साथ, न्यूजीलैंड की नेवी और इंडियन आर्मी नेवी वगैरह ने भी यहाँ पे अपना काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इनको बचाने में। तो ये बेसिकली ये वर्ड ध्यान में रखना है कि गोल्डन ग्लोब रेस है वो बेसिकली नॉन स्टॉप सोलो राउंड है, वर्ल्ड योट रेस है, जो कि बेसिकली पूरे विश्व के चक्कर लगाने के लिए वो की जाती है। तो उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट है वो किया है, वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना हो जाता है। चलो, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो कौन सी योट थी या कौन सी नाव थी, जिसका नाव का नाम क्या था, जिसकी हेल्प से बेसिकली ब्लास्ट होमी है उन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था। तो उसके नाव के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना, याद लिया आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन के बारे में, यानी कि MGISC। देखो, 29 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर मतलब कि आज की डेट तक बेसिकली न्यू दिल्ली में इस कन्वेंशन को आयोजित है वो किया गया है। मेन मोटो क्या है इसका, क्यों इसे आयोजित किया गया है, वो हम देख लेते हैं। देखो, बेसिकली ये आयोजित की गई है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री, यानी कि पेयजल एंड स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा बेसिकली इसे लॉन्च है, आयोजित है वो किया गया है। देखो, गांधी जी के आपको पता है कि 2019 में 150वीं एनिवर्सरी है वो आएगी, तो उसी उपलक्ष्य में क्या क्या हमने टारगेट्स हैं वो अचीव किए हैं। तो अभी तक 149वीं एनिवर्सरी हुआ है, और इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी म्यूजियम है वो भी उद्घाटित है, वो किया गया था। ये कहाँ पे है, ये एक बेसिकली गुजरात में हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात में महात्मा गांधी म्यूजियम है उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि गांधी म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के अल्फ्रेड हाई स्कूल है वहां पे बेसिकली महात्मा गांधी म्यूजियम है वो बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो अल्फ्रेड हाई स्कूल था वो गांधी जी से काफी लिंक था, तो इसीलिए गांधी जी की आप बोल सकते हो याददाश्त थी वहां पे, और उसी नजर में रखते हुए उसी को म्यूजियम है वो बनाया गया। इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका फायदा ये होगा कि गांधीवादी जो भी कल्चर है, संस्कृति है वो, और गांधी जी के जो भी मूल्य थे, जो भी उनके आइडियाज थे और उनके जो भी फिलोसफी थी, उनके जो भी दर्शन थे, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए गांधी म्यूजियम है वो काफी हेल्पफुल है वो रहेगा, इसीलिए इसे गुजरात के अल्फ्रेड हाई स्कूल में बनाया गया है। तो एक तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, यानी कि MGISC। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली में अभी इसको आयोजित है वो किया गया है। इसका देखो मेन मोटो साफ साफ ये था कि इस बार तक हमने क्या क्या टारगेट्स जो जो हमने काम करने की बात की थी उनको हमने अचीव किया या नहीं किया। क्योंकि देखो, स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है कि 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च वो किया गया था, तो अभी तक कितने टॉयलेट बने गए, क्या इसकी सक्सेस रेट रही है, लोगों को कितने बेनिफिट्स वगैरह हुई हैं, इसके साथ ही सफाई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कैसा काम हुआ है, उन सब के बारे में एक तरीके से आप पूछोगे कि रिव्यू है वो किया जा रहा है इस सम्मेलन के अंदर। और 68 कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और उन कंट्रीज के जो आप बोल सकते मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने इसमें अपना हिस्सा है वो लिया था। एक अहम बात क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 6 है उसमें फोकस यही किया गया कि सैनिटेशन के ऊपर, कि साफ सफाई सैनिटेशन के लिए कैसा काम है वो हो रहा है, तो उस पर भी यहाँ पे फोकस है वो किया जा रहा है। तो एक तो देखो लिंक हमें करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट 6 जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है, उसमें महात्मा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन है उसका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। यहाँ पे अगर मेंस में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो वहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट ऐसे बन जाते हैं। अब हम देखो आगे देखते हैं, मेन बात इसमें और भी 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से शो केस रखा जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस क्या रही है स्वच्छ भारत मिशन की, जो सक्सेस स्टोरीज रही है स्वच्छ भारत मिशन की सैनिटेशन को लेकर उनके बारे में, इसी के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन है उसके जो जो छोटे छोटे टारगेट्स रखे गए थे कि भाई इनको हमें कम्प्लीट करते हुए मेन मिशन की तरफ चलना है, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा।
तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगले साल 150 साल हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसी के लिए एक ओवरव्यू लिया जा रहा है अभी कि भाई क्या क्या काम हुआ है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम बता सकें कि देखो हमने इतना काम किया सफाई को लेके, हमने पीने के पानी वगैरह है वो प्रोवाइड करवाया लोगों को, ये वगैरह। देखो ग्लोबल लेवल पे सैनिटेशन क्राइसिस है, इसके बारे में WHO और यूनिसेफ है उसकी एक रिपोर्ट है वो भी पब्लिश है वो की गई है, तो ये भी हमें एक छोटा सा फैक्ट ध्यान रखना है कि WHO और यूनिसेफ है वो ग्लोबल लेवल पे सैनिटेशन को लेके बेसिकली काम है वो करते हैं, और उसके कुछ आपको पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। जैसे कि देखो ये बेसिकली मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा यहाँ पे आपको बताऊँ थोड़ा नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल पॉइंट रहते हैं। जैसे पहला पॉइंट तो उस रिपोर्ट का ये है कि ग्लोबल लेवल की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें लगभग देखा जाए तो 60% जो पॉपुलेशन मतलब कि 4.5 बिलियन जो लोग हैं उनके पास अभी भी टॉयलेट का एक्सेस नहीं है, और ना ही उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट मैनेज है उस चीज के लिए किया गया कि भाई वो टॉयलेट के जैसे कुछ और काम भी यूज है वो कर सकें। इसके साथ ही सैनिटेशन को लेकर बताया गया कि लगभग 862 मिलियन लोग हैं वो भी अभी खुले में देश में मतलब खुले में सोच है वो कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो ये क्या है कि 4.5 बिलियन तो घर ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है, मतलब 4.5 बिलियन लोगों के पास तो घरों में टॉयलेट है नहीं, और इतने लोग ऐसे हैं जो कि फिर बाहर खुले में सोच है वो जा रहे हैं। इसके साथ ही बात यह है कि बहुत से बिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको पीने का साफ पानी है वो नहीं मिल रहा है, वो इसी के साथ ही उनको कंटेमिनेट जो पानी है मतलब जो गंदा पानी है वो उनको यूज है वो करना पड़ रहा है, मतलब जो कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है वो नहीं है। अगली बात यह है इसमें बताया गया है कि देखो लगभग जितना भी पानी है जैसे हम डेली वेस्ट करते हैं मान लो कि नहाने धोने कपड़ा धोने वगैरह में सीवरेज वगैरह में, तो उसका 80% पानी है वो ऐसे ही वेस्ट कर दिया जाता है हर साल हर बार या हर डे आप बोल सकते हो, उसको वापस से रीयूज नहीं किया जाता ना ही उसको ट्रीट है वो किया जाता है। मतलब कि जितना डेली हम वेस्ट करते हैं वाटर वेस्ट जनरेट करते हैं सोसाइटी के फ्लो के द्वारा उसमें से केवल 20% पानी है 20% को ही हम रीजनरेट है या रीयूज है वो करते हैं, बाकी सारा का सारा इकोसिस्टम में ऐसे ही वेस्ट है वो कर रहे हैं। तो ऑल ओवर क्या देखने को मिला कि हम पानी की बर्बादी है वो काफी ज्यादा कर रहे हैं। इसके बाद में बताया गया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 39% हिस्से की बात यहाँ पे की गई है जो कि स्वच्छता सेवा है उसका यूज है वो कर रहे हैं, मतलब कुल 39% लोग हैं जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं सैनिटेशन वगैरह के सेफ्टी मैनेज हैं गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये थोड़ा डाटा इनके द्वारा दिया गया है। इसके बाद में बताया गया है कि तो सुरक्षित पानी और जो अच्छी स्वास्थ्य है उसके लिए लगभग देखा जाए तो हर साल इन चीजों के अभाव में लगभग लगभग देखा जाए तो 8,42,000 लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, मतलब साफ सफाई की वजह से हर साल ऑल ओवर वर्ल्ड में 8-8.5 लाख आप बोल सकते हो लोगों की डेथ होती है क्योंकि उन्हें साफ सफाई पीने का पानी ढंग से उपलब्ध है वो नहीं हो पाता है। तो ये कुछ थोड़ा डाटा दिया गया है WHO और यूनिसेफ के द्वारा, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसके इफेक्ट्स वगैरह कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग में हम यूज है वो कर सकते हैं कि देखो साफ सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है कितना इससे हमें नुकसान है वो हो रहा है और किस तरीके से चैलेंजेस वो हमें निपटना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो बेसिकली अभी रिसेंटली जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा 5 लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के उनको ये अवार्ड है वो बेसिकली दिया गया है। तो देखते हैं अवार्ड है क्या, क्या इस अवार्ड की खासियत है और किसको यह अवार्ड है वो दिया जाता है। सबसे पहली बात यह कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो बेसिकली 2005 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी और यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट के लिए एक हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें एनवायरनमेंट के लिए इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, सबसे बड़ा अवार्ड यही है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और अभी ये भारतीय प्रधानमंत्री और ऑल ओवर के 5 और लोग हैं उनको यह अवार्ड है वो दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो भारतीय प्रधानमंत्री और जो बात करें यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन है, इन्होंने आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था जिसके अंदर आपको पता है कि सोलर एनर्जी का यूज है वो करना था, इसमें बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज थी मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं उनको बेसिकली सनलाइट काफी अच्छी मिलती है, तो वो सनलाइट का काफी अच्छे से यूज करते हुए इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का यूज है वो कर सकते हैं, वो इसके मेंबर वगैरह हैं जिसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस भी किया। तो ये उन्होंने ग्रुप बनाया था और इसके लिए उन्होंने ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छे काम किए हैं, मतलब सीधी सी बात ये है कि उन्होंने पोल्यूशन को कम करने और इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छे स्टेप हैं वो उठाए हैं, तो इसीलिए बेसिकली अवार्ड है इनको दिया जा रहा है। और देखो भारत ने एक टारगेट भी रखा है कि 2022 तक जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसको भी बैन करने की बात है वो की गई थी, तो कुछ ऐसे स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। बेसिकली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो भी नागरिक या होते हैं सिविल सोसाइटी होती है
उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है उसके लिए अवार्ड है वो दिया जाता है। तो इसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन है वो और नरेंद्र मोदी है, इन्होंने काफी अच्छे स्टेप है वो उठाए हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो बनाया था और उसकी हेल्प से इन्होंने काफी अच्छा काम है वो किया और अभी इस पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो बेसिकली इनको दिया गया। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। दूसरा, किस क्षेत्र के लिए, तो इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके लिए अवार्ड है वो दिया जाता है। और अहम बात क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए इंडिया को अवार्ड है वो दिया जा रहा है और इंडिया ने 2022 तक सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक है उसको बैन करने की बात हो की है, मतलब 2022 तक हम प्लास्टिक का सिंगल यूज भी कहीं है वो नहीं करेंगे। एक अहम फैक्ट यहाँ पे और बनता है जो कि बेसिकली आर्टिकल से अलग है बट थोड़ा यहाँ पे मैंने इसे लिंक किया है कि इंडिया का जो पहला ग्रीन एयरपोर्ट है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट है वो था कोचीन एयरपोर्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला जो एयरपोर्ट था इंडिया का ग्रीन एयरपोर्ट वो था कोचीन एयरपोर्ट, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी के लिए उनको अवार्ड है वो दिया भी गया था। तो ये भी काफी न्यूज में रहता, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि कोचीन एयरपोर्ट है वो इंडिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक डिसीजन को लेके। देखो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने के लिए, कौन से एरियाज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको एजुकेशन से अच्छी मिल सके, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात जब की जाती है तो वहां पे उनको रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करवाया गया है। उत्तराखंड देखो हाईकोर्ट का ये निर्णय है, ये बेसिकली वहां की जो गवर्नमेंट है वहां की असेंबली है उसको 6 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात हो यहाँ पे की गई है कि 6 महीने के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट है वो कीजिए, क्योंकि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो भी ट्रांसजेंडर का एक राइट बन जाता है, इसीलिए उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण की बात है वो की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसजेंडर के आरक्षण के लिए कौन से स्टेट ने कदम वगैरह उठाने के लिए ऐसे फैक्ट वगैरह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एपन के बारे में, तो क्या है एपन वो देखते हैं। देखो उत्तराखंड में कुमायूं का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बेसिकली एक मुराल पेंटिंग है, कैसे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ एक बार, उस दिखने में इस प्रकार की है। तो इसमें देखो 2-3 फैक्ट बन जाते हैं, यूपीएससी उन फैक्ट्स के आधार पर भी पूछ सकती है कि ये कौन सी पेंटिंग है, जैसे उसकी 2-3 क्वालिफिकेशन दे देगी कि ये ऐसी ऐसी एक पेंटिंग है तो बताइए वो कौन सी है। जैसे एक अहम बात क्या है, इसमें केवल 2 ही कलर का यूज होता है, रेड और व्हाइट, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि रेड और व्हाइट सिर्फ 2 ही कलर के आधार पे ये पेंटिंग है वो बनाई जाती है, जिसे हम भित्ति चित्रकला या मुराल पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमने देखा, इसके साथ ये भक्ति से रिलेटेड भी होती है, ज्यामिति आकृतियां इसमें बनाई जाती हैं और नेचर रिलेटेड जो फूल पत्तियां वगैरह है इनकी आकृतियां भी इसमें बनाई जाती हैं। इसमें लाल मिट्टी होती है जिसे हम गेरू बोलते हैं, उसका पहले लेप किया जाता है, उसके बाद इसमें सफेद जो चावल का आटा होता है उसके घोल की हेल्प से इस पर डिजाइन है वो बनाई जाती है। तो इसलिए इसमें लाल और सफेद रंग का यूज है वो किया जा रहा है। और बेसिकली देखो वुमेन के द्वारा जो भी शुभ अवसर होते हैं, जैसे कोई शादी वगैरह होगी या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा होता है और एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए इसकी शुरुआत है वो की गई थी। और आजकल इसे कपड़ों के बैग वगैरह पे और लकड़ी की जो ट्रे वगैरह होगी, नोटबुक वगैरह पे इसे काफी ज्यादा बनाया जा रहा है, काफी ट्रेंड में यह चल रही है। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना है कि एपन जो मुराल पेंटिंग है वो कहाँ से रिलेटेड है, कौन कौन से इसके फीचर्स वगैरह हैं, तो वो हमने यहाँ पे देख लिए। जैसे यूपीएससी पूछ लेगी कि जो एक ऐसी पेंटिंग है जिसके अंदर ज्यामितीय आकृतियां वगैरह बनाई जा रही हैं और ओनली रेड और व्हाइट कलर का यूज है वो किया जा रहा है और बेसिकली बात ये की जा रही है कि कुमायूं के क्षेत्र में वो बनाई जा रही है, तो कौन सी पेंटिंग है वो, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो पेंटिंग है वो एपन पेंटिंग है जो कि एक मुराल पेंटिंग है। तो ऐसे फैक्ट्स वगैरह घुमा फिरा के यूपीएससी पूछ लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है साइबर शिक्षा इनिशिएटिव को लेकर। देखो बात ऐसी है कि आपको पता है कि हमारे देश में इंटरनेट या डिजिटल तो काफी ज्यादा हुआ जा रहा है बट इस एरिया में हमें सिक्योरिटी भी काफी अहम है वो हो जाती है। तो दिक्कत क्या है कि हमारे देश के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें काफी ढीला ढला ही मामला रहता है, मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही है। और जब बात करें वुमेन की कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर वुमेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो बहुत कम है। मेल तो चलो फिर भी ठीक ठाक तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना काफी अच्छा थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं बट वुमेन की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसीलिए वुमेन को स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी इसमें साइबर शिक्षा इनिशिएटिव के तहत, ताकि एक तो देखो बेनिफिट क्या होगा, एक तो साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित हो जाएगी, इसके साथ ही रोजगार भी मिलेगा और स्किल है वुमेन को वो मिलेगी और वुमेन का दबदबा है, वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है साइबर सिक्योरिटी के एरियाज में आप बोल सकते हो वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं वुमेन्स की जो वुमेन का जो आप बोल सकते हो कि तकबा है, वुमेन्स का जो आप बोल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ने लगेंगी।
अब देखो अहम बात यह है कि जो साइबर शिक्षा इनिशिएटिव है या किसके द्वारा लॉन्च है वो क्या है। साइबर शिक्षा इनिशिएटिव माइक्रोसॉफ्ट और सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी हमें ध्यान में रखना है, वो है मिट्टी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट और सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उन दोनों का एक इनिशिएटिव है, वो यहाँ पे लिया गया है। और अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखो इनिशिएटिव तो इनका होगा, बट ट्रेनिंग देने का काम है वो किया जाएगा सीडेक के द्वारा। सीडेक का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। बेसिकली देखो यह है सीडेक है, ये सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए इंडिया में फेमस है, यह सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाने का काम है वो करता है। 2003 में इसको स्थापित है, वो किया गया था। चलो आप ये बताइए कि इंडिया का जो भी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इंडिया का पहला सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, सबसे पहला कौन सा था, और अभी रिसेंटली सबसे फास्ट कौन सा है इंडिया का वो बताना है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क यहाँ पे बन जाता है। अब देखो इसमें होगा क्या कि जो भी वुमेन इंजीनियर ग्रेजुएट हो चुकी हैं उनको साइबर सिक्योरिटी के मामले में स्किल्स हैं वो दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वुमेन है जिन्होंने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट की है उनको साइबर सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग है वो दी जाएगी यहाँ पे सीडेक के द्वारा, ताकि एक तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारे देश के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर कदम उठाने की बात की जा रही है उसमें काफी अच्छे बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इनके बारे में हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में जाना, जो कि 1768 में बेसिकली 1968 में स्टार्ट है वो की गई थी, और इसमें इंडिया के जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं बिलास टोमी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट वो काफी इनको इंजरी वगैरह हो गई थी तो भी उनको बचा लिया है वो गया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि गोल्डन ग्लोब रेस है वो एक नॉन स्टॉप सोलो राउंड द वर्ल्ड योट रेस है, ये फिर बन जाता। आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया था कि इन्होंने कौन सी सिप है, कौन सी नाव है, कौन सी योट है, उसकी हेल्प से चक्कर लगाने की बात है वो लोअर वर्ल्ड की वो की थी, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, जो कि बेसिकली इंडिया के जो कैपिटल न्यू दिल्ली है वहां पे आयोजित है वो किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के अंदर महात्मा गांधी म्यूजियम है उसका उद्घाटन भी किया गया है अल्फ्रेड हाई स्कूल में। तो ये दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ हमने WHO और यूनिसेफ की जो ग्लोबल लेवल की सैनिटेशन क्राइसिस की रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू है वो लिया था। देखो जो रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो फेसबुक पे जो पेज है वेलकम यूपीएससी का वहाँ पे डेली अपलोड है वो किए जाते हैं, तो आप प्लीज वहां से उनको रेफर वगैरह कर सकते हो। इसके साथ ही हमने देखा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जिसको 2005 में स्टार्ट किया गया था, और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और उसके अलावा भी कुछ लोगों को अवार्ड है वो दिया गया था। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अपना योगदान दिया इसके लिए अवार्ड है बेसिकली दिया गया था। और इंडिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा था, कोचीन। सेकंड कौन सा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हमने देखा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए एजुकेशनल सेक्टर में आरक्षण की बात है वो यहाँ पे की है। इसके बाद हमने एप्पन पेंटिंग जाना जो की उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में बेसिकली बनाई जाती है। इसके साथ ही हमने साइबर शिक्षा इनिशिएटिव के बारे में जाना जो कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके द्वारा एक इनिशिएटिव के तौर पे स्टार्ट है वो किया गया था। और सीडेक के द्वारा इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह वो दी जाएंगी जो कि 2003 में एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए बनाई गई थी। तो ये तो है आज की माई डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।